Mitro, Confederation of All India Traders देश के 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों से जुड़ा हुआ महासंगठन है, जिसके माध्यम से हम देश के 7 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। मेरा मानना है देश में व्यापारी 10 करोड़ से ज्यादा हैं। देश इस समय व्यापार की दृष्टि से एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ट्रेडिशनल सिस्टम से हम डिजिटल सिस्टम की ओर जा रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है, और अभी लेकर के अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं, और 100 दिन में सरकार ने जिस प्रकार की पॉलिसीज और निर्णय लिए हैं उनको यदि हम फोरकास्ट करें तो 2 साल बाद या 3 साल बाद देश में व्यापार करने का तौर तरीका बदल जाएगा। ये लाला टाइप व्यापार अब चलने वाला नहीं है। हमें हर रूप में अपने आप को डिजिटल होना पड़ेगा, और जो अपने व्यापार को डिजिटल तकनीक से नहीं जोड़ेगा निश्चित है कि वो व्यापार से बाहर हो जाएगा। और कुछ लोगों को शायद ये भ्रम है कि सरकार को हमारे बारे में जानकारी नहीं है, सरकार को आपके बारे में आपसे ज्यादा जानकारी है। आपसे सरकार ने आपका आधार नंबर ले लिया, आपका पैन नंबर ले लिया, आपका मोबाइल नंबर ले लिया, तो इससे ज्यादा सरकार को कुछ नहीं चाहिए। और एक कार्रवाई जो सरकार जिस पर काम कर रही है, जैसे हम सब लोग अभी भी रामलाल श्यामलाल के व्यापार में लगे हुए हैं, किस ट्रांसपोर्टर ने माल भेजा ये नहीं पता, बस हमारे को माल वहां पहुंच जाना चाहिए, और क्योंकि हम बंद कमरे में बैठे तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, पेपर ट्रेड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाजार में बिल का व्यापार भी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और अगर हमें समझे कि सरकार को इसकी समझ नहीं है तो इस बात को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। सरकार को एक एक गतिविधि का पता है, लेकिन क्योंकि सरकार का अपना बैंक सिस्टम तैयार नहीं है इसलिए सरकार अभी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने व्यापार के तौर तरीके को बदलना होगा। व्यापार में डिजिटल तकनीक, कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि अगले बजट में सरकार ये कह दे कि चेकबुक बंद हो गई, आपको पेमेंट करनी है एनएफटी से करें, आरटीजीएस से करें, कार्ड से करें, मोबाइल एप्लीकेशन से करें, कैश धीरे 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 सरकार सर्कुलेशन भी कैश का कम करने वाली है, और आपके द्वारा कैश का उपयोग कम से कम हो उसके लिए सरकार नियम कानून बना रही है। अभी आप एटीएम से पैसे निकालोगे तो आने वाले समय में जितनी बार आप एटीएम से पैसे निकालोगे उतनी बार आपको एक सरचार्ज देना पड़ेगा। सरकार पूरी तरीके से डिजिटल उस पर जा रही है, और यदि हमने आज अपने आप को नहीं बदला और 3 साल बाद जब वो हमारे सिर पर सिस्टम आएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और कुछ ब्रांड हुआ करते थे, नोकिया, कोडक, हिंदुस्तान मोटर्स के एम्बेसडर, खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने व्यापार के साथ चेंज नहीं किया। तो चेंजेस इनएविटेबल, और ये जो हम नए सिस्टम में जा रहे हैं, बहुत सी बातें का मैं यह खुलासा आपके साथ में नहीं कर सकता, मैं लगातार सरकार के साथ बातचीत करता हूं, हफ्ते में 3 या 4 मीटिंग कॉमर्स के साथ, फाइनेंस के साथ और अन्य मिनिस्ट्रियों के साथ में होती है,
प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इस सिस्टम को हमको बदलना है 5 साल के अंदर अंदर। तो इस सोच को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमें अपने व्यापार को बदलने में कहीं ना कहीं सुविधा होगी। एक तो मेरा ये आग्रह है। दूसरे मैं आपको एक जानकारी देता हूं, हम में से सब लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना बैलेंस शीट, उसमें आखिर में लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब सर आपकी जितनी भी बैलेंस शीट है जिनमें लिखा हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उस एक एक बैलेंस शीट की स्क्रूटनी सरकार बैठ करके कर रही है। अब जिसने लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है तो वो सरकार की काली सूची में आ रहा है। कार्रवाई आज नहीं होगी क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज वो दोनों की दोनों टैक्सेबल हो गई। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो गुड्स नहीं है तो सर्विसेज होंगी, और सर्विसेज अगर है और आपने यदि उस पर जीएसटी दिया है या लिया नहीं है तो फिर वो आपको बताएंगे कि व्यापार करने का तौर तरीका कैसे होगा। सरकार बड़े पैमाने पर इस बारे में काम कर रही है। हमने सरकार से जिस वक्त अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे मैंने उनको कहा कि जीएसटी हम लगवाने के लिए तैयार है लेकिन हमारी शर्त यह है कि 3 साल तक देश में एक भी व्यापारी के यहां छापा नहीं पड़ेगा। अरुण जेटली जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, केवल उन लोगों को छोड़ करके जिनके खिलाफ विभाग के पास यदि सबूत होंगे तो। और मेरे ख्याल से जब से जीएसटी लागू हुआ है छापा नहीं पड़ा किसी का। जीएसटी को कितना सिंप्लीफाई कर दिया और अभी और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। अभी रिटर्न आपकी तिमाही हो जाएगी, अभी जो प्रॉब्लम है रिवीजन की वो रिवीजन का एडिट बटन आ जाएगा जिसको केवल एक बार आप यूज कर सकते हैं। अभी आप अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते लेकिन अब उसमें बहुत जल्दी एक एडिट बटन आ जाएगा जिससे आप अपनी रिटर्न को एडिट कर सकते हो। टैक्सेशन के जितने भी स्लैब हैं हमने कहा है कि हर स्लैब की दोबारा से उस पर समीक्षा होनी चाहिए। आप हमारे साथ बैठिए। जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल का टैक्सेशन किसी भी हालत में उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया। तो अभी जीएसटी में आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और जीएसटी इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि एक आम आदमी को भी जीएसटी भरने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे व्यापारी जरा दिमाग ज्यादा रखते हैं, उन्होंने ईवे बिल का दुरुपयोग शुरू कर दिया। सरकार ने भी कहा कि कोई बात नहीं है हम ईवे बिल खत्म ही कर देंगे। व्यापारी बड़े खुश हो गए लेकिन जब दूसरी बार सरकार ने यह कहा कि आपको इनवॉइस जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के बनानी होगी तब व्यापारी कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। जीएसटी के पोर्टल पर यदि आपने जाकर के इनवॉइस बनाई तो वो इनवॉइस फट भी नहीं सकती और एक समय ऐसा आएगा जिस समय सरकार आपको सब कुछ आपको आप पूरे साल भर का आपको बना के दे देगी, आपको अपनी रिटर्न भी नहीं भरनी पड़ेगी।